संथीजी राम राम। आओ समझन आओ। कैसे आई? बहुत दिन हो गए रहे, सोचा मिलन भेंट कर आए। हाँ जरूर जरूर। ये कस्तूरी कहाँ है? हाँ भीतरे है, मिल लो। अच्छा कस्तूरी। अरे अम्मा अचानक पास के गांव में शादी में जात रहे, सोचा तुमसे मिलती चले। ठीक है अम्मा बैठो। और सब घर में कैसे हैं? हाँ ऐसे तो सब ठीक ही है, पर तुम ही कौन को ताड़ा में लगी हो? हम कुछ समझे नहीं अम्मा। हमरे गांव तक हल्ला मच गया और तुम कहे तो हम समझे नहीं। कौन बात का हल्ला मच गया, जरा हम भी तो सुने। सब कहते हैं कि तुमको दूसरे खसम की चाह लगी है। अरे करना है तो कर लो दूसरा खसम, पर तिरिया चरत काहे पसार रही हो? का बकवास कर रही हो अम्मा? देखो बिन्ना, दूसरा ब्याह कर लोगी तो 2-4 दिन लोग निंदा बदनामी करेंगे, फिर तुम अपना खूंटा से बन जाओगी। पर ये रोज रोज झोला लेकर मीराबाई बने फिरना, स्कूल जाना, तुम तो दोनों ही कुल को बोल रही हो। अच्छा तो जे बात, अब हमारा स्कूल जाना हमारी अम्मा को भी खटकने लगा। क्यों जे ही खिलाने भागती हुई आई हो ना तुम? बंद करो ये नाटकबाजी, विधवा होकर इस तरह से अकेले घूमते फिरना। एक बात कहे अम्मा, तुम हमारी सबसे बड़ी दुश्मन हो, महाबैरिन हो तुम, और दूसरा खसम करवे की चाह हमका ई जन्म में तो नहीं है अम्मा। काहे कि हमको अच्छे से मालूम है कि दूसरा मर्द यानी गुलामी, और कस्तूरी अब आजाद जीना चाहती है और आजाद मरना। मर्द को देवलोक में भेजकर भगवान ने तुम्हें आजाद तो पहले ही कर दिया, पर इसका मतलब ही नहीं कि लोग लाज बेचकर एक बच्चे की माँ होकर स्कूल में टकती फिरो। हमारे स्कूल जाने से तुमको लाज आती है अम्मा? तो एक सलाह देते हैं हम तुमको कि किसी कुइया या पोखर में जाकर डूब मरो तुम। अरे तुम जैसे मूर्खाओं के लिए कुइया ही सही जगह है। और अब हम हाथ जोड़ते हैं तुमसे अम्मा, हमारी जिंदगी में दखल मत दो। 9 महीना तुमको पेट में पाला है, आज लोग क्लास समझाए के खातिर इतनी दूर आए तो हमको ऐसा गाली दे तो? अरे हम तुम्हारी माँ है, दुश्मन नहीं। अरे दुश्मन ही हो तुम, भेड़ बकरियन जैसा बेच दिया था तुम्हारों ने हमको, और अब जब हम पढ़ना लिखना चाहते हैं अम्मा। मतलब ये है कि स्कूल जाए बे की और में? हाँ अम्मा अब बस करो और जाओ यहाँ से, और हमसे कोनो रिश्ता रखवे का अब कोनो जरूरत नहीं है। समझ लेना कि कस्तूरी मर गई तुम्हारों के लिए। मायके से रिश्ता काट लिया, दूधमुही बच्ची को भी घर छोड़ दिया, अपाहिज बीमार ससुर की कातर आंखों के लिए भी करुणा नहीं दिखाई। खेत और घर के नफा नुकसान को भी नजरअंदाज किया। नंगे पाव स्कूल जाने वाले रास्ते पर चली तो जा रही हूं, लेकिन क्या मुझे मंजिल मिल पाएगी? चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल पर, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवनी और अंबर तल में। अच्छा बताओ इस कविता के रचयिता कौन है? कस्तूरी तुम बताओ। जी मैथिली शरण गुप्त। अरे वाह। अच्छा अब ये बताओ कि इस कविता में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? जी इसमें अनुप्रास अलंकार है, च च च। क्या बात है, शाबाश कस्तूरी। अच्छा बच्चों ये किताब भारत का इतिहास, ये किस किस के पास है? कल ये किताब सबके पास होनी चाहिए, क्योंकि कल इंस्पेक्टर साहब दौरे पर आ रहे हैं, आज ही इस किताब को खरीद लेना। कल मैं इस किताब से ही पढ़ाऊंगी,
ठीक, कल कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए जिसके पास ये किताब ना हो। ए गोपू, तू मुझे अपनी इतिहास की किताब देगा, मैं तुझे लड्डू दूंगी। इसके लिए सुल्तान ने अपनी सल्तनत को कुछ प्रांतों में बांटा। आज हम लोग भारतीय इतिहास पढ़ेंगे। किताब लेकर आए तुम लोग? हाँ। दिखाओ जरा। लेकिन कस्तूरी, ये किताब नहीं, नोटबुक है। तुम्हारी किताब कहाँ है? जी, हमने पहले पन्ने से आखिरी पन्ने तक इस नोटबुक में लिख दिया है, काहे से कि किताब खरीदने के लाने हमारे पास। तूने पूरी किताब लिख डाली कस्तूरी? जी। अरे वाह, अरे बेटा पैसे नहीं थे तो मुझसे ले लेती। नहीं नहीं, कोई बात नहीं बहन जी, लिखने से काफी सारी बातें हमें याद भी हो गई हैं। चलो, अब कोई तो है जो शिक्षा अधिकारी के सामने जवाब दे सकेगा। देखा बच्चों, ये होती है पढ़ने की ललक। तूने तो मेरा दिल जीत लिया कस्तूरी। अब बैठो, अब तो दद्दा तुमको रोटी बना के खिलाएंगे। आलू भाता की तरकारी, नाचे बिन्नों की महतारी, घर ये आए जब जोर से दद्दा, दांत फार के हंस दे पुष्पा, हंसो हंसो हंसो। किस पर गई है ये? मुझ पर? नहीं नहीं, ये तो शुक्ला बहन जी जैसी लगती है। बड़ी होकर बिल्कुल उनके जैसी ही लगे शायद, हाथ में किताब लिए हुए पढ़ाती हुई। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। ज्ञान के सूरज की किरणें जब इसके चेहरे पर पड़ेंगी तो और भी दमकने लगेगी हमारी लाडली। अरे अरे मेवाना, ते खेत में बहू स्कूल गई का? स्कूल की तो छुट्टी हो गई, बहू को कोई खेती की किताब मिल गई। ऊखो पढ़ के बोली कि हम शहर जा रहे हैं खाद बीज खरीद पे। इस बार हम अपने खेत में नए बीज बोंगे जिससे फसल दुगनी होएगी। पे तुम्हारी तो तबीयत ठीक नहीं है, घर जाके आराम करो। अरे अब आराम कहाँ, अब खाट पर लेटकर कराहने का नहीं, निभावे का समय है खेरा पातिन। हम ज्यादा आए बाएं करें तो बहू घर छोड़कर चले जाएं। ये बात तो है, बेलगाम लुगाई और घोड़ी कभी भी बिदक सकत है। चुप, वो आ गई। हाँ बहू। अरे दादा। हाँ, लाओ हम। अरे नहीं नहीं दादा, हम रख दे। अरे लाओ बेटा, हम उतरवा दे। और थक गई लगती हो। तुम इतका कर रहे हो दादा, जाके आराम करो ना। अरे हम आराम करेंगे तो यहाँ खाद बीज कौन बोएगा? अरे जमींदार साहब ने कहा है कि दो आदमियों को इतने बीज बोले के लाने भेजेंगे। अच्छा, बड़ी मेहरबानी उन्होरों की। मैथरी कितने दादा? ओ हाँ, खेल कूद के सोई है। हम आते। अरे मेवाराम, तुम्हारी बहू ने तो लोक लाज सगरी छोड़ दई है, तुम्हारे सामने सिर तक नहीं ढकत बा। खेरा पातिन, वो हमारी बहू जब तक रही, जब तक हमारा बेटा जिंदा रहा, अब वही हमारी बेटी है, वही बेटा। अब का पर्दा का शर्म। ऐसो काय नहीं कहे तुम कि ई के अलावा और कोई चारो ही नहीं बचो तुम्हारे पास? अरे हमें नहीं मालूम का कि तुम्हारी घरवाली तुमसे कैसे थर थर कपत हती। चल भाग यहाँ से।
हमेशा लगाई भुजाई करते रहते हैं, कोनो काम नहीं का। मैत्री ने मेरी गुड़िया छीन ली है। मैत्री, ओके गुड़िया को वापस करो। नहीं मैत्री। नहीं अम्मा। गुड़िया वापस दे। नहीं अम्मा। नहीं अम्मा, नहीं नहीं दो अम्मा, नहीं दो अम्मा। मैत्री, अम्मा मुझे गुड़िया चाहिए। सरला के पिताजी गुड़िया लाते हैं, सबके पिताजी गुड़िया लाते हैं, मेरे पिताजी तो आते ही नहीं। कहाँ है मेरे पिताजी? बोलो अम्मा, बोलो बोलो। तेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है मैत्री, अब मैं ही तेरी माँ हूँ और मैं ही तेरा बाप। और तुझे अब गुड्डे गुड़ियों से नहीं, किताब कॉपी से दोस्ती करनी, ज्ञान के खिलौने से दोस्ती करेगी ना? बोल, जिस तरह से मैं जाती हूँ स्कूल पढ़ने, तू भी पढ़ेगी ना? बोल। नहीं। तू स्कूल नहीं जाएगी? हाँ नहीं। मैत्रेयी, मैं नहीं जाऊंगी। स्कूल नहीं जाएगी तो क्या करेगी? मैं गुड्डे गुड़ियों से खेलूंगी। मैत्रेयी, बहस करेगी तू मुझसे? नहीं। हर दिन तुझे स्कूल जाना है, पढ़ना है, लिखना है। मैत्रेयी, तुझे पढ़ना है, समझ में आया? लेकर आ रही हो, काहे मार रही हो इको? और तुमको जितना पढ़ना है पढ़ो, पर ये पढ़ना नहीं चाहती तो कमाट डालोगी। पढ़ाई नहीं बस का हो गया? आओ बेटी, बस बस आ जाओ, हमारे साथ आओ, हमारे साथ। सुई अंदर ही अंदर चुभती रही और चुभन को सहन करते हुए मैं 10वीं में चली गई। मैत्री अब 12 साल की हो गई थी। मैंने पास के स्कूल में उसका दाखिला करा दिया, लेकिन उसके लक्षण अब सही नहीं लगते। अरे पुष्पा बिटिया। हाँ काकी। तुम इतने स्कूल नहीं गई का? नहीं काकी, दो कोस चल के जाओ। स्कूल पहुँचते ही गुरुजी इतने कठिन सवाल पूछने लगते हैं कि जिनका हमें जवाब ही नहीं आता। पे बेटा, तुम रोज रोज इतने आ जाओ तो कहू तुम्हारी महतारी को पता चल गयो तो? कैसे पता चलेगा, वो तो रोज चली जाती है एक क्लास पढ़ने। अच्छा अच्छा, आओ बेटा। पे बेटा, तुम्हारी महतारी को भी ई उम्र में कहा सूची पढ़वे लिखवे की है? घर गृहस्थी की उको कोई चिंता ही फिकर नहीं है, ऐसे घर गृहस्थी थोड़ी चलते। बेटा बैठो। काकी, तुम उस दिन कह रही थी ना कि मुझे चंदना गीत सुनाओगी, सिखाओ ना। अरे सीखोगी तुम का? हाँ। अच्छा है, मैं भी न जाने कब आंखें मूंद लूं। मेरे जाने के बाद कोई तो होगो गाँव में चंदना गीत गावे वारो। हाँ काकी, मैं जरूर गाऊंगी, मुझे बहुत शौक है गाने बजाने का। चल आ जा। अब के बिछड़े पंखी पाखी कबे मिलेरी, अब के बिछड़े पंखी पाखी कबे मिलेरी,
ए जी कोई हुई रे करे जा की टूक, ए जी कोई हुई रे करे जा की टूक, जतन बता जा चंदना अपने मिलन की, जतन बता जा चंदना अपने मिलन की, पहली कटारी कुंवर जी ने मारी, पहली कटारी कुंवर जी ने मारी, कोई ले लई दूजी बाहन ओट, तीजी कटारी चंदना के हीरा मारी जी, तीजी कटारी चंदना के हीरा मारी जी, चंदना की चिता चीनी बनखन ए जी ओ, चंदना की चिता चीनी बनखन ए जी ओ, चंदना की चिता चीनी बनखन ए जी ओ। अरे वाह बिटिया, तुम तो बहुत ही सुर में गात हो, अच्छी तरह जात कर लो जी बात, की को सुनाओ ना वही झूमर लगेगो जे सुनकर। मगर ये चंदना कौन है और उसकी कथा क्या है? बिटिया, चंदना बहुत ही रूपवान स्त्री हती, उको ब्याह कुंवर जी के संग भयो हतो, एक मरस से उसके बदन की ताप नहीं बुझत आती, उकी चाहना तो कछु और ही हती भाई। चाहत मतलब? अरे बिटिया, जब तुम बड़ी हो जाओगी ना तब जे सब बातें समझ जाओगी। फिर का, उको एक सुनार से प्यार होगा, बस उके संगे ही बतियाती थी, हंसती थी, लिपटती झिपटती आती, एक दिना सुनार के संग बैठ के हंस बोल रही हती, प्यार की बात करत रहती, कुंवर जी ने उको देख लो बस वे भड़क गए। फिर का, सारे गांव के सामने उको घसीटत भय ले आए, गुस्सा में तलवार निकारी और उको गला काटता। तो तुम ये कथा सबको क्यों सुनाती हो? जिससे हर ब्याता स्त्री इते उते मुंह न मारे, अपने पति की बन के रहे, हिसाब किताब रीति रिवाज से ही चले। नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते कस्तूरी। हम स्कूल आवे वाले थे आपसे मिलने। रात्रि की पढ़ाई कैसी चल रही है? अब का बताएं कस्तूरी, उको मन तो पढ़ाई में लगता ही नहीं है, आए दिन स्कूल से नदारत रत है, हमें तो लगा था अपने पिता पे गई है। जे का कह रहे हो मास्टर जी? ठीक कह रहे हैं कस्तूरी, तुम्हारे ससुर तो ठहरे बूढ़े, पोती के पीछे किते किते भागे, पर तुम्हें अपनी पढ़ाई से फुर्सत नहीं है, या खुद पढ़ लो या हुए पढ़ा लो। हम तो ऐसे फंसे मास्टर जी की समझ में ना आत की का करे हम। फैसला तुम्हारे हाथ में है कस्तूरी। अच्छा मैं चलता हूँ। पहली कटारी कुंवर जी ने मारी जी, पहली कटारी कुंवर जी ने मारी जी, कोई ले ले दूजी बाहन ओट, ए जी ओ, कोई ले ले दूजी बाहन ओट, ए जी ओ, तीजी कटारी चंदना के हीरा मारी जी, तीजी कटारी चंदना के। झूठी, घर से निकलती है स्कूल जाने के लिए और यहाँ आकर गंदे गाने सुनती है। अरे अरे कस्तूरी, पानी छोड़ दे, बच्ची सीखन जहाँ दे तो कहाँ होगा, तुम बीच में ना बोलो खेरा पाते, तुम ही हमारी मोड़ी को बिगाड़ रही हो, हमको सब मालूम है, किसी और को सिखाना है ना तो सिखाओ जे गाना, पर हमारी मोड़ी को बख्श दो, तू चल घर चल। अरे स्कूल जा जाके पगलाए गई है कस्तूरी, तिरिया चरित्र कहीं की, बताओ तो खेरा पातिन को बुरा भला कह रही है? अरे बोल अंदो, वो कोई पाप लग है। हाँ। चल, अंदर अभी बताती हूँ। अंदर चल, चल अंदर। पंडित ने तेरा नाम पोथी पता देखकर मैत्री रखा था, और तू उस बेवकूफ बुढ़िया से चन्ना सीखेगी? हाँ। चन्ना गाएगी तू? बेवकूफ कुवारी लड़कियाँ चन्ना सुनती तक नहीं, और तू गला फाड़ फाड़ के गाती है। हाँ? चल अंदर। अंदर। छोड़ो मुझे, अम्मा छोड़ो। और कान खोल कर सुन ले, आगे से उस खेरा पातिन के संग तुझे कभी ना देखूं, समझी? अब चल अंदर, तेरा खाना पीना सब बंद। अरे का होगा बहू, काहे उन नन्ही सी बच्ची की जान लेवे पर तुली हो? दादा ये 2 फुट की छोकरी चन्ना गीत गाते तो का होगा? जी का कह रहे हो दादा आप?
जानत नहीं हो कैसे अश्लील शब्द भर दिए लुगाइयर ने गीत में, और फिर का है चन्ना गीत में। हाँ, दो मर्दों के जंजाल में फंसी एक औरत, उमरत तो बच गए और मर गई बेवकूफ चंदना। का चाहत हो आप कि ये लड़की भी पढ़ाई लिखाई छोड़कर ये सब सीखे? अरे बहू, हमको समझ नहीं आत तुम का पढ़त हो और का उ नन्नी सी जान को पढ़ाना चाहत हो। दद्दा, हम ठीक पढ़त है और ओका ठीक पढ़ाना चाहत है, और ये चन्ना गीत ठीक नहीं है। अरे पन आज से नहीं गाई जाती चंदना कथा, कोई तो बात होगी जो सैकड़ों सालों से लोग इका गात हैं। तो का चाहत हो दद्दा कि आगे भी सैकड़ों साल तक औरत के अपमान को लोग गाथा बनाकर गाते रहे? और लोग गाए तो गाए दद्दा, हमार बिटिया नहीं गाएगी बस। अरे बहू, तुम का कहत हो, का पढ़त हो, का वो बच्ची को समझाना चाहत हो, तुमको कुछ वो समझ नहीं आते। जो भी कहते हैं तेरी भलाई के लिए कहते हैं ना लाली, अभी ये सब करने की उम्र नहीं है तुम्हारी। पहले कुछ पढ़ लिख कर बन जाओ, फिर जो चाहे करना हो करो। बोल, कल से स्कूल जाएगी ना? तो हो जो हमारे जीवन में रोशनी लाओगी।